हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे चैनल आपको पसंद है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो है हाउसवाइफ की सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज हम लोग बात करेंगे हाउसवाइफ की सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। एक हाउसवाइफ जो है पूरे दिन अपने घर के लिए सोचते हैं, अपने बच्चे के लिए सोचते हैं, अपने हस्बैंड के लिए सोचते हैं, लेकिन उसका रिस्पेक्ट कितना होता है, ये हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि एक हाउसवाइफ को ही पता होना चाहिए कि उसका भी एक रिस्पेक्ट है। जैसे कि सिर्फ खाना बनाना और बच्चे की देखभाल करना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, खुद को खुश रखना भी उसके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए जो ये हाउसवाइफ मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको सभी को बोलूँगी ये वीडियो पूरा अंत तक देखें। और जो जो चीज़ मैं बोलूँगी, ये मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और मैं भी खुद बहुत कुछ फील कर चुकी हूँ, इसलिए मैं ये आपको बता पाऊँगी। तो सबसे पहले, घर के जैसे हर डिसीशन में आप अपना भी राय दें। अगर हस्बैंड आपके घर में सारे डिसीशन लेते हैं तो इट्स ओके, लेकिन आप कोशिश करें अपना ही कुछ राय दे, उस डिसीजन में अपना भी कुछ आप बताएं। और आज की जैसे मॉडर्न युग है तो सभी लोग हस्बैंड वाइफ मिलके बाहर काम करते हैं, लेकिन जो लोग हाउसवाइफ है, जो लोग घर पे रहते हैं, कई बार क्या होता है ना कि उनकी जो इज्जत है थोड़ा कम होता है। वो सोचते कि अरे, मैं तो कुछ काम नहीं करती, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं घर पे रहती हूँ, सिर्फ खाना बनाना और बच्चों की देखभाल करना मेरा काम है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, पूरे घर को संभालना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप लोग निभा चुके हो, और डेली लाइफ में आप कर रहे हो चीज़, वो भी कुछ कम नहीं है। क्योंकि इसके लिए हम लोगों को भी सोचना पड़ता है, मतलब इसके लिए भी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। सुबह सबसे पहले उठो और रात को सबसे एंड में सब लाइट्स ऑफ करके सोने जाओ। ये आई थिंक हर हाउसवाइफ का एक डेली रूटीन होता है, जो हर हाउसवाइफ बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाते हैं बगैर किसी सैलरी के। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लोग समझते हैं कि एक हाउसवाइफ है, जैसे हम लोगों में से जो लोग, मतलब अगर आपने बात करें किसी हस्बैंड की ऑफिस की पार्टी हो या कुछ चीज़ हो, हम लोग गए तो अगर उसमें कुछ लेडीज़ हो, सब इकट्ठा होते हैं तो बात करते हैं, जॉब, कोई जॉब करता है तो आप क्या करते हो, तो हम लोग बोलते हैं हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग हाउसवाइफ है, जस्ट घर पे रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप हाउसवाइफ है, आप होम मेकर है, आप घर पे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। अगर कोई आपको बोले आप कुछ नहीं करते, आप हाउसवाइफ हो, आप उनको बोलना जी हाँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं एक होम मेकर हूँ और मैं पूरे घर को संभालती हूँ। एक हाउसवाइफ जो पूरे दिन अपने घर पे रहते हैं, अपने बच्चों के देखभाल करते हैं, बच्चों के देखभाल मतलब इसे नहीं कि बच्चों के पूरा खिलाने नहाने ये सब नहीं है, पूरा बच्चे के, यहाँ तक कि बच्चे के जो पढ़ाई है वो भी हम लोग देखते हैं, बच्चे स्कूल से लौटेंगे, उनके खाने पीने हर चीज़ हम निभाते हैं। फिर हम क्यों अपने आप को कमज़ोर समझे? तो सबसे पहले आप जो एक काम करें कि आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें। उस टाइम में आप क्या करना पसंद करते हो, आप वो सबसे पहले देखें। आपको क्या करना पसंद है? शादी से पहले आपका कुछ हॉबी रहा होगा, बगैर सिंगिंग हो सकता है या बुक्स पढ़ना हो सकता है, व्हाटएवर, कुछ भी, आप वो फिर से शुरू करो। अपने लिए टाइम निकालो, अपने आप को थोड़ा पैम्पर करो, और खाने में सबके पसंद आप बना लेते हो, खुद का पसंद का भी ध्यान रखो। खुद के पसंद का भी एक डिश लंच या डिनर में ज़रूर बनाओ, तो क्या होता है ना, खुद का मन खुश हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, अगर आप खुद खुश रहोगे ना, तो आपके फैमिली को भी आप बहुत अच्छी तरह संभाल सकते हो, बहुत खुशी खुशी संभाल सकते हो, है ना। आप बहुत हैप्पी हैप्पी रहोगे तो आपके फैमिली भी बहुत आपको देख के एकदम पूरा खुश होगी, वो लोग भी अच्छे फील करेंगे और आप लोग भी अच्छे फील करोगे। आप बाहर निकालो, बाहर निकल के सिर्फ शॉपिंग करना या बच्चों को स्कूल से लाने जाना या बच्चों को एक्टिविटी क्लास में ले जाना, मैं उसकी बात नहीं करती हूँ। बाहर निकल के आप छोटे मोटे जगह जैसे पास में हो, खुद ही घूम के आओ, या फिर आप जिस जहाँ जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ आपकी फ्रेंड सर्कल होगी, उस फ्रेंड सर्कल में सब साथ मिल के जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत इंजॉय करोगे, आपको ऐसा लगेगा ना कि कॉलेज लाइफ जो है, स्कूल लाइफ जो है, फिर से वापस आ गई।
और क्या होता है ना, एक चीज मैं आपको जरूर बताती हूँ, ये फ्रेंड सर्कल जो होता है कई बार क्या होता है ना, गॉसिप का एक ये बन जाता है, वो ऐसा आदमी से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि गॉसिप करने से क्या होगा ना, आपका मन फिर भी नेगेटिविटी की तरफ भागते रहता है ना। तो थोड़ा ऐसा फ्रेंड्स बनाओ जो इस तरह के है, थोड़ा बाहर छोटे मोटे जगह, जैसे कि कोई एग्जीबिशन चल रहा हो, सब साथ में जाओ, मूवी देखने जाओ, आप इंजॉय करो, ठीक है, बच्चों को साथ लेके नहीं। एक दिन हो सके तो हस्बैंड को बच्चों के, मतलब जैसे संडे हुआ, आप सभी लोग प्लान कर लिए आज लेडीज जाएंगे ओनली, तो सब मिलके जाओ, बच्चे को उस दिन अपने हस्बैंड के पास छोड़ो। आप तो हफ्ते भर संभालते हो ना, बस एक दिन आपके हस्बैंड संभाले, तो देखना उनको भी समझ आ जाएगा कि आप क्या करते हो, और आपको भी थोड़ा फ्री मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन करके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप छोटे मोटे जो बिजनेस जो है वो भी शुरू कर सकते हैं, पैसे के लिए नहीं, अपने आप के लिए। उस टाइम आपके अपने होंगे, उस टाइम में उसके डिसीजन आपके खुद के होंगे। इस तरह की, जैसे आप केक बनाना सीख सकते हो, आजकल केक बना के उसको सेल करना बहुत, मतलब एक अच्छा मैं बोलूंगी प्रोफेशन है। आप बनाना, जो केक बनाने की जो जहाँ ट्रेनिंग देते हैं, आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ सीख लो पहले, फिर आप केक फ्रॉस्टिंग वगैरह सीख के फिर उसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। साड़ी के बिजनेस, बुटीक वगैरह वो सब भी है, केक का भी है, आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही अच्छा फ्रेश महसूस होगा। तो ये सब चीज़ें आप खुद के लिए कर सकते हो, और कभी कभी हो सके ना तो एक हफ्ते के लिए कहीं पे घूम के आओ, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बच्चे और हस्बैंड के साथ जाओ, खुद कहीं पे जाओ, आपको भी तो जाने का मन करता है ना, किसी के घर या फिर मायके जाओ, मतलब मायके ऐसे आप बच्चों को लेके ही तो जाओगे ऐसा नहीं है, फिर भी खुद के लिए ना थोड़ा टाइम आप निकालो, क्योंकि जिंदगी जो है एक ही बार मिली है। आप सबको खुश करने में अभी बिजी हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तब आप बिल्कुल लोनली हो जाओगे, क्योंकि अभी जो टाइम है उसको आप सही उपयोग करो। अभी आप कुछ बनोगे, कुछ मतलब अभी भी टाइम है आपके पास, आप कुछ कर सकते हो, आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, खुद कुछ प्लान करके कुछ आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, कुछ एनजीओ में आप काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अभी हम लोग क्या सोचते हैं ना, बच्चे छोटे हैं, चलो बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना, तब आपकी जो ये एज है ये नहीं रहेगी, आपकी जो आज जो मतलब एज के साथ साथ क्या हो ना, एनर्जी जो है वो खत्म हो जाती है, खत्म ना हो पर थोड़ा सा कम तो हो जाती है ना, तब आप नई शुरुआत नहीं कर पाओगे। तो एक जिंदगी मिली है, उसे खुल के जियो, अपने मजे से जियो, अपने खुशी से जियो, सबको खुश रखना हम हाउसवाइफ की जरूर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को भी खुश रखना हमारी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और जी हाँ, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप को महसूस करो, अपने बच्चों को महसूस करवाओ, क्योंकि बच्चे ये ना सोचते रह जाए कि मम्मी है सिर्फ खाना बनाने के लिए। ये थी मेरी आज की वीडियो वुमेन्स की सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में, एक हाउसवाइफ की सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में। मुझे पता है कुछ लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे, इट्स ओके, ऐसा ही होता है। बट अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना पाऊँ और आप उसका आनंद उठा पाए। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।